आप लोगों को पता है कि यार वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है ना, वो कौन सी कंडीशन होती है? पिट्यूटरी एडिनोमा होती है। तो उस कंडीशन को आप कहते होते हैं एक्रोमिगैली। वो कंडीशन जिसमें जनाब आपकी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है उसको हम कहते हैं एक तरह का एक्रोमिगैली कहते हैं, ठीक है, अगर अडल्ट के अंदर, अगर उम्र ज्यादा है तो। लेकिन बच्चों के अंदर क्या होगा, इस बच्चों के अंदर हम इसको कहते हैं गिगनेटिज्म, गिगनेटिज्म, ठीक होगा, बच्चों के अंदर हम इसको गिगनेटिज्म कहते होते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका हम ट्रीटमेंट के अंदर क्या देते हैं, आपने कहा ऑक्ट्रियोटाइड, क्या देते हैं, एक तरह का ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। अगर आपका ट्यूमर साइज में बड़ा है तो क्या करना है, ट्रांसपीनाइटल सर्जरी करनी होती है, सर्जरी करनी है। तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज या एक लाइन भी नहीं है जो हमने छोड़ी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, मे कॉज एक्रोमिगैली एडल्ट और गिगनेटिज्म चिल्ड्रन, ट्रीटमेंट सोमैटोस्टेटिन मैन ना लोग, ऑक्ट्रियोटाइड और सर्जरी, तो ये करते होते हैं। अब आज जनाब आपका एक तरह का एक्रोमिगैली के टॉपिक की तरफ, के एक्रोमिगैली क्या होता है, ये देखो जी एक्रोमिगैली, जो बंदा नहीं ना पढ़ेगा उनको इन जैसी बुड्ढी मिलनी है, ये हिसाब लगा लो। अब कोई प्लीज ये ना कह दे कि सर आप मजाक उड़ा रहे, चेहरों का मैं मजाक में वैसे बात कर रहा हूँ यार, दिल पे नहीं लेनी किसी ने। Enough for today. लंबी जुबान भाई, इसका सिर्फ लंबी जुबान नहीं है, इसका मुंह भी लंबा है, इसका जबड़ा भी लंबा है, इसके हाथ भी लंबे हैं। अच्छा ये इस तरह है, मैं इस तरह कह रहा हूँ कि आप लोगों को एक्रोमिगैली जो है ना, ये आप लोग चलो कर लीजिएगा, कल जो आप लोगों को कवर करवाएंगे ना, कल जो आप लोगों को कवर करवाएंगे गुजर के सर, भूख में प्यास भी, प्यास भी अच्छी है, क्या कह रहे हो, भूख में प्यास भी अच्छी है, समझ नहीं आई क्या कह रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो सिर्फ 5 मिनट जो है ना इसको साथ कर लो, उसकी रीजन ये है कि कल आपको जो लेक्चर देंगे वो डॉक्टर सैफ देगा, ठीक हो गया, और अभी इसका जो रिलेट है वो सारे का सारा ग्रोथ हार्मोन के साथ मैंने निकाला हुआ है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो वो जब करवाएगा तो वो पूरा टॉपिक एक न्यू होगा, उसको करवाने के लिए उसको भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी इस वजह से। तो अब हम आते हैं एक्रोमिगैली की तरफ, एक्रोमिगैली क्या होता है। एक्रोमिगैली वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपका ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा रिलीज होता है। अब किस कंडीशन में हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा। तो आपने कहना है कि पिट्यूटरी एडिनोमा, जब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर होगी तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा रिलीज होगा। जब आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब इसके लिए मैं जो एग्जाम्पल देता हूँ ना, वो मैं देता हूँ ग्रेट खाली, नहीं है जो इंडियन जो एक्टर, वो जो है रेसलर ग्रेट खाली जिसका नाम है, उसकी देता होता हूँ। अगर आप उसको देखोगे तो क्या है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर आप लोगों ने 2 से 3 चीजें आपने देखना होता है एक्रोमिगैली के अंदर क्या होता है। एक्रोमिगैली के अंदर आप लोगों ने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर जो हाथ होते हैं वो साइज के बहुत ज्यादा होते हैं, और एग्जामिनर मोस्टली जब क्वेश्चन पूछता है तो वो ये कहता है कि शू साइज उसका बढ़ गया या शू साइज जो है वो ज्यादा हो गया। तो ये आपने लाइन जो है ना वो लाजमी पिक करनी है जब भी क्वेश्चन के अंदर आता है ना कि शू साइज जो है वो जनाब उसका इंक्रीज हो चुका है, तो आपने एक्रोमिगैली की तरफ आना होता है। एक ये बात, दूसरा क्या होता है, हाथों का साइज ज्यादा होना शुरू हो जाना, जो उसका जा होता है वो साइज ज्यादा हो गया, जबान जो होती है वो ज्यादा साइज में जो होती है वो ज्यादा होना शुरू हो जाए, मैक्रोग्लोसिया जिसको हम कहते होते हैं। इसके साथ फ्रंटल बोसिंग, यानी कि जो होता है उसका फ्रंटल रीजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस कंडीशन को आपने कहना फ्रंटल बोसिंग आप इसके अंदर देखते होते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखनी होती है, मतलब के एक्सेसिव जो होती है वो इसके अंदर एक तरह का बंदे को स्वेटिंग होती है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो आप लोगों ने बताने होते हैं। और इसके अंदर आप क्या देखते हो, देखो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो आपकी ग्लूकोज अपटेक को सेल के अंदर कम करता है। जब आपकी ग्लूकोज अपटेक सेल के अंदर कम होगी तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर बढ़ेगी, जब ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो इसके नतीजे में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, जो कि आपका डायबिटीज करवाता है। तो आपने कहना ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस करवाता होता है, और आपने कहना है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आप लोगों ने याद रखना है, वो कौन सा है, कहते हैं कि हाँ जी जनाब एक्रोमिगैली इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ द कार्सिनोमा, तो आपने कहना कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद इसके साथ, ठीक है। तो जो अभी हमने सारी बातें की वो क्या है, वो ये है कि हाँ जी जनाब, जब भी हमारे पास एक पेशेंट आता है वो ये कहते हैं कि उसका हाथ बड़े हैं, उसका पाँव का साइज ज्यादा हो चुका है, फ्रंटल बोसिंग है, डायाफ्रेसिस है, उसके बाद मैक्रोग्लोसिया है, उसके बाद जनाब
ये कंडीशन क्या है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये आपकी एक्रोमेगैली की कंडीशन होती है, और जो कैंसर हो सकता है वो कौन सा होता है, कोलोरेक्टल। लार्ज टंग विद डीप फोरस, डीप वॉइस, लार्ज हैंड एंड फीट। उसकी आवाज भी देखो तो वो खाली की क्या अजीब सी आवाज है, हाथ भी उसके अच्छे वाले हैं, ठीक हो गया। कॉर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स विद एजिंग, इसके बाद फ्रंटल बोसिंग है, सर उसका अच्छा बल है, डायाफ्रेसिस होती है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसका मतलब क्या है, देखें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर ये होता है कि जब भी हम किसी बंदे को ग्रोथ हार्मोन देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप ग्लूकोज देते हो, जब आपने बाहर से ग्लूकोज ली तो ग्रोथ हार्मोन का मेन जो पर्पज होता है वो क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ज्यादा करना। अब देखो एक बंदा है जिसके बंदे के बाहर से आपने ग्लूकोज दे दिया है, तो उस बंदे के अंदर ग्लूकोज ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होना चाहिए ना। सिंपल सी बात तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे के अंदर आपने ग्लूकोज बाहर से दे दिया है तो उसका ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होना चाहिए। लेकिन जिस बंदे को एक्रोमिगैली होती है ना, जब आप बाहर से उसको ग्लूकोज देते हो ना, तो उसका ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम नहीं होता बल्कि वो बढ़ा ही रहता है। तो आपने कहना उसको एक्रोमिगैली है, तो यही उसने बात की, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हाइपरटेंशन, हाई रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। क्लियर है? मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा था, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द मतलब कि एक्रोमिगैली। आपने कहना इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वन, सीरम इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वन जो होता है वो। दूसरा कौन सा होता है, वही ग्रोथ हार्मोन सप्रेस। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो मेरी बात को गौर करना है हमसे। ग्रोथ हार्मोन का मेन काम क्या है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर ज्यादा करना, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर ज्यादा करना। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने बाहर से ग्लूकोज ले ली है तो ग्रोथ हार्मोन तो अब कम रिलीज होना चाहिए, कम होना चाहिए ना रिलीज, क्योंकि बाहर से ग्लूकोज ले लिया अब उसने। लेकिन जिन बंदों को एक्रोमिगैली होगी उनका क्या होगा, उनका ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता जाएगा, उनका ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम नहीं होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है तो हमने कहना किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई पंगा चल रहा है, तो फिर आपने क्या कहना, एक तरह का ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट भी इसको कहते होते हैं। तो इसके अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपने कहना कि हाँ जी जनाब इसके अंदर भी एक तरह का ये एक्रोमिगैली को शो करता है। लेकिन अगर मेन क्वेश्चन आए कि हाँ जी जनाब मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट विच ऑफ फॉलोइंग, तो आपने कहना इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वन, और दूसरा होता है कि हाँ जी जनाब आपने ये देखना है। एक क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी एडिनोमा को देखने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हो, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आप देखते हो कि हाँ जी जनाब आपको पता है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्रोमिगैली इज द पिट्यूटरी एडिनोमा एंड हाउ कैन वी सी इन दिस पेशेंट, तो आपने करा एमआरआई करवाते हो। तो देखो बच्चों सीरम इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वन करवाते हैं, ठीक हो गया। फेलियर टू सप्रेस सीरम ग्रोथ हार्मोन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वही बात मैंने की, पिट्यूटरी मास एमआरआई, ठीक हो गया। अब आ गए यार बड़ों के, बच्चों के अंदर क्या होगा, डिग्निटिज्म बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर क्या होगा, तो क्या होगा एक तरह का ये। एक और क्वेश्चन आता था, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्रोमिगैली पेशेंट, आपने कहना हार्ट फेलियर। क्वेश्चन कौन कौन से, मैं दोबारा बताता हूँ, एक लिस्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये कहना है, कभी भी एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन, शू साइज इंक्रीज हो गया, एक्रोमिगैली। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वन, नंबर टू, नंबर थर्ड, विच टाइप ऑफ द कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद एक्रोमिगैली, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द एक्रोमिगैली, इज द कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर, ठीक हो गया। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इसके अंदर मोस्टली होता होता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर हम क्या देखते होते हैं, सेकेंडरी डायबिटीज ब्लाइटस देते हैं, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल। अब देखें ट्रीटमेंट क्या है, आपने क्या देना है ट्रीटमेंट के अंदर, ऑक्ट्रियो सबसे पहले, अगर तो ट्यूमर है तो क्या करोगे, ट्यूमर को बाहर निकालोगे, सर्जरी करोगे, ठीक हो गया, सर्जरी करोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या देते हो, ऑक्ट्रियोटाइड देते होते हो, ऑक्ट्रियोटाइड जो ड्रग्स होती हैं वो देते हो। बाकी आपने, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, शायद आपको याद हो, मुझे आपने ये बता देना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन इज एनालॉग टू विच ड्रग, शाबाश, एनीवन, एनालॉग टू विच विच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो जो हम प्रोलैक्टिन को रोकने के लिए मेडिसिन देते हैं, ग्रोथ हार्मोन को रोकने के लिए वो मेडिसिन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। तो हमने कौन सी दी थी उधर, कैबरगोलाइन, ब्रोमोक्रिप्टन, तो यहाँ पे भी वही देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप क्या है, पिट्यूटरी एडिनोमा रिजेक्शन इफ नॉट क्योर ट्रीट विद ऑक्ट्रियोटाइड। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट जो होती है वो पगीवो सोमेट होती है, जो कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। आर डोपामिन एगोनिस्ट कैबरगोलाइन। कोई बच्चा जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट खत्म करते हैं। एनीवन, ओके जी, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा।